मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है देउन, यह हमें हॉस्पिटल बेड पर दिखती है। यह अनकॉन्शियस है और अपने पिता की यादें उसे आ रही है। बचपन से इसके फादर उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार स्कूल में फादर इसे लेने के लिए आए पर ये कहीं दिख नहीं रही थी। फादर बहुत ही चिंतित हो गए थे। जब देउन उन्हें दिखी तो इसे गले लगा लिया था। फादर ने कहा था कि कहीं भी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा। देउन को भी ये पता था और छोटी देउन बोली थी कि मैं तुम्हारा दिल हूँ। अब वे फादर और डॉटर बातें करते करते घर आते हैं। फादर देउन को लिखने के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स देते हैं। आज देउन को फादर एक एड्रेस देते हैं। ये एड्रेस देउन सही से लिख नहीं पाती। फादर कहते हैं तुम बहुत ही जल्दी गिव अप कर देती हो, ये बहुत ही बुरी चीज है। जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें गिव अप नहीं करना है। यहाँ घर में हमें फादर और डॉटर की एक फोटो दिखती है जहाँ पर लिखा होता है कि डैडी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सब हमें देउन का बचपन दिखाया गया है। अब वो बड़ी हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि देउन अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में हैंग आउट कर रही होती है। यहाँ पर टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है। ये जो न्यूज है ये किडनैपर और मर्डरर के बारे में है। 15 साल पहले एक आदमी ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया था। जिस बच्चे को किडनैप किया था उसके फादर से बहुत सारे पैसे लिए थे। उसके बाद भी उस छोटे लड़के को मार डाला था। ये जो केस है इसका अब स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन आने वाला है। इसका मतलब है अब पुलिस ज्यादा इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि इस केस को अब 15 साल हो चुके हैं। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप करनी पड़ेगी। देउन के फ्रेंड्स को ये सही नहीं लगता। ये जब देउन से पूछते हैं तो देउन भी कहती है इन जैसे लोगों को मार डालना चाहिए। कोरिया में किसी को भी फांसी नहीं हुई है तो इन्हें लगता है कि इन जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। यहाँ पर देउन अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है तभी देउन के फादर वहां जाते हैं। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है तो देउन के फादर जिनका नाम होता है सुनमन हमेशा काम करते रहते हैं। यहाँ भी इस रेस्टोरेंट में वो काम ही कर रहे होते हैं। देउन फिर अपने फ्रेंड्स को उनसे मिलाती है। देउन का बॉयफ्रेंड है जो पुलिस की एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। अपने फादर से वो उसे मिलाती है। देउन का बॉयफ्रेंड कहता है कि आप कोई भी वरी मत करना, मैं हमेशा देउन का ख्याल रखूंगा। फादर कहते हैं कि नहीं मैं ही रखने वाला हूँ। ये इसे बहुत ही वियर्ड लगता है पर फादर फिर हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। देउन के फादर को बहुत काम करना पड़ता है, ये उसे बहुत ही बुरा लगता है। देउन का एजुकेशन खत्म हो चुका है और उसने एंट्रेंस एग्जाम दी है, उसे जर्नलिस्ट बनना है। उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया था तो इसका आज रिजल्ट लगने वाला है। सुनमन और देउन दोनों गाड़ी में बैठते हैं और इस इंटरव्यू का रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू में देउन फिर से फेल हो जाती है। देउन थोड़ा सा नाराज होती है पर वो अभी और भी ज्यादा होपफुल होती है। वो कहती है कि मेरी और एक इंटरव्यू है, उसमें तो मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगी। ये दोनों अपसेट है तो देउन कहती है कि चलो हम एक चैलेंज करते हैं। घर पर एक वीक के लिए कौन बर्तन मांजेगा इसका इनका चैलेंज होता है। हमेशा इसमें देउन हार जाती है पर इस बार भी अपने फादर को चीयर अप करने के लिए वो रेस्टोरेंट में उन्हें लेकर आती है। इस बार भी फादर जीत जाते हैं। देउन अगर इंटरव्यू में पास हो जाती तो उसके फादर रह नहीं पाते। देउन की उन्हें आदत हो चुकी है क्योंकि हमेशा से वो देउन का ख्याल ही रखते आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देउन अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए आती है। ये मूवी भी जो किडनैपिंग हुई थी 15 साल पहले इस पर ही बेस्ड होती है। इसी मूवी की वजह से फिर से न्यूज वगैरह चल रही होती है। इस मूवी की सैड एंडिंग देखकर देउन को बहुत ही बुरा लगता है पर इस मूवी के लास्ट में एक्चुअल किडनैपर का वॉइस होता है। इसमें बताया जाता है कि अगर आपको ये पता होगा कि ये वॉइस किसका है तो प्लीज आप पुलिस को कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अब देउन फिर से मर्डरर का वॉइस सुनती है। इस क्लिप में बोला गया होता है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खत्म नहीं है। देउन को अब रियलाइज होता है कि ये तो उसके फादर कहते थे। ये वॉइस उसके फादर से बहुत मैच करती है और ये कोड भी। ये समझ नहीं पाती ये हो क्या रहा है। ये बहुत ही बड़े शॉक में होती है। मूवी खत्म हो जाने के बाद इसके फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। इसके फ्रेंड्स को लगता है कि वॉइस उन्होंने सुनी है। देउन की फ्रेंड कहती है कि ये तो तुम्हारे फादर जैसी वॉइस थी। देउन उसे डांटती है और कहती है ये क्या कुछ भी बोल रही हो। इसकी फ्रेंड भी इसे अपोलोजाइज करती है और यहाँ से चले जाते हैं। रात में देउन इंटरनेट से फिर से रिकॉर्डिंग निकालती है और ये सुनती है। ये जब सोती है तो इसे सपना आता है। इसके फादर ही किडनैपर है तो उन्हें कन्फ्रंट करती है। इसके फादर भी मान जाते हैं। इस बुरे सपने से उठती है। जब सुबह होती है तो फादर ने बहुत सारा खाना इसके लिए बनाया होता है पर आज इसका कुछ भी खाने का मूड नहीं होता। देउन की फ्रेंड ने जिसने कहा था कि उसके फादर की आवाज थी उसके साथ वो रेस्टोरेंट में आती है। इसकी फ्रेंड कहती है ये बहुत ही सॉरी हो, मुझे ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहिए था। तुम्हारे फादर तुम्हारा बहुत ही केयर करते हैं, ये कभी भी वो कर नहीं पाएंगे। ये फ्रेंड कहती है कि जब मुझे पता चला था कि मेरे फादर का अफेयर है तभी भी मुझे बहुत ही बुरा लगा था। ये अजीब अजीब चीजें करने लग गई थी।
ड्यून भी ये सब सुनने में इंटरेस्टेड हो जाती है। ड्यून पूछती है कि तब तुमने क्या किया था। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने उनके मोबाइल्स, उनका लैपटॉप, ये सब चीजें चेक की थी। देउन को भी आइडिया अच्छा लगता है और अब फादर के लैपटॉप वगैरह वो चेक करने लग जाती है। यहाँ पीसी में फादर ने पॉर्न फिल्म डाउनलोड्स की होती है, ये उसे दिखती है। देउन को ये फिल्म मिल चुकी है, ये फादर देख लेते हैं। फादर मना कर देते है कि मेरी थी ही नहीं, जब हमने बाय किया होगा तब ये आ चुकी होंगी। देउन जब अपने फ्रेंड को ये कहती है तो ये दोनों बहुत हंसती है। देउन की फ्रेंड कहती है तुम्हारे फादर भी एक मेल है, उनकी भी फिजिकल नीड्स होंगी, और ये दोनों और भी हंसती है। देउन को अब कंफर्म करना ही है कि उसके फादर मर्डरर नहीं है। उसके फादर हमेशा वीकेंड्स पर फिशिंग के लिए जाते हैं पर कभी भी कोई भी फिश नहीं लाते। ये उसे बहुत ही सस्पिशियस लगता है और अब फादर का पीछा वो करने लग जाती है। ये फादर के पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि एक अमीर घर पर उसके फादर काम करते हैं। ये वीकेंड्स पर जाकर सब साफ सफाई कर कर आते हैं। अब मूवी में और एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, इसका नाम है शिन। शिन इन पर नजर रख रहा होता है। जब देउन घर से बाहर लाइब्रेरी में जाती है तो वहाँ शिन आ जाता है। शिन देउन से बातें करने लग जाता है और कहता है तुम्हारे फादर के बारे में, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। ये फिर एक लेटर देउन को देता है। ये लेटर देउन के फादर के लिए है। ये फादर को इस लेटर में ब्लैकमेल कर रहा होता है। इसके बाद वो फादर को भी कॉल लगाता है। ये फादर को कहता है कि अब मैं कोरिया आ चुका हूँ, मैं हमेशा अब यही रहने वाला हूँ। ये पैसों की डिमांड करता है, कहता है कि मेरी सिस्टर अब बीमार है, उसे कैंसर है, इसी वजह से उसे पैसे चाहिए। फादर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब फादर उसे पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं देउन को सब कुछ सच सच बता दूंगा। फादर ने देउन को कहा होता है कि उसकी मदर मर चुकी है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देउन की मदर जिंदा है और शिन की सिस्टर ही उसकी मदर है। रात में फिर से देउन को शिन का कॉल आता है। फादर अब उसे कहते हैं कि जरा वेट करो, तुम्हें सब पैसे मैं दे दूंगा। अब थोड़े दिन हो जाते हैं पर फिर भी वो उसे इग्नोर ही कर रहे हैं। देउन को ये लेटर सस्पिशियस लगता है पर वो अपने फादर को अब कन्फर्ट नहीं करती। बाद में शिन इनके घर पर आ जाता है। इसी दिन देउन की मदर मरी थी, ये उसके फादर ने उसे कहा था, इसीलिए वो डिनर वगैरह कर रहे होते हैं, मदर की फोटो वहां लगाई होती है। शिन जब ये सब देखता है सब खाना वगैरह वो गिरा देता है। वो कहता है ये क्या चल रहा है। शिन कहता है तुम्हारे फादर को गिल्टी महसूस हो रहा है, इसीलिए ये सब वो कर रहे हैं। फादर शिन को कहते हैं कि बाहर जाकर हम बात करते हैं, पर ये मान नहीं रहा होता। फादर जोर से इसे झापड़ लगाते हैं। उसे कहते हैं कि तुम ये सब करने के लिए मर सकते हो। शिन बोलता है कि तुम कहते हो कि जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये कहकर वहां से चला जाता है। रात में देउन सो नहीं पाती, फादर के सब ड्रॉवर्स वगैरह चेक करने लग जाती है। इसी ड्रॉवर्स में उसे एक रिसिप्ट मिलती है, एक हॉस्पिटल की रिसिप्ट है और यहाँ हस्बैंड और वाइफ का नाम लिखा गया है, ये नाम वो पहचान नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर फिर से शिन को मिलने के लिए आए हैं। शिन को कह रहे होते हैं कि सब कुछ पैसे में तुम्हें दे दूंगा, थोड़े से पैसे वो शिन को दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि देउन को वो नाम तो मिले हैं पर उन नाम का करना क्या है ये उसे मालूम नहीं होता। उसके फ्रेंड का कोई फ्रेंड होगा जो पुलिस के एंट्रेंस में पास हो गया होगा तो उसे ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है कि दो नाम किसके हैं, तो अपने बॉयफ्रेंड से अब वो हेल्प लेती है। उसका बॉयफ्रेंड भी ये करने के लिए मान जाता है और अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है ये सब इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। रात में देउन के बॉयफ्रेंड को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो आदमी और वो औरत कौन था। बॉयफ्रेंड का फ्रेंड बहुत ही परेशान है। मूवी के आ जाने के बाद मीडिया से बहुत ही प्रेशर बढ़ चुका है, इस केस को पुलिस को जल्दी से सॉल्व करना है पर ये कर नहीं पा रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयफ्रेंड देउन के पास आ जाता है। देउन को कहता है कि जिस आदमी का तुमने मुझे नाम दिया था वो 1995 से एक्टिव नहीं है, उसके पहले रॉबरी वगैरह इस तरह की चीजें उसने की थी। 1985 में ही अबडक्शन और मर्डर ये सब हुआ था। बॉयफ्रेंड कहता है कि इस तरह के लोग कभी भी सुधरते नहीं, इसने शायद कुछ नया नाम ले लिया होगा। देउन को धक्का लगता है क्योंकि उसे समझता है कि उसके फादर ही हो सकते हैं। दूसरा नाम फिर औरत का होता है, ये देउन पहचानती है कि उसके मदर का ही नाम है। बॉयफ्रेंड कहता है इस औरत का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये औरत अभी भी जिंदा है। देउन को अब शौक लगता है कि ये कैसे हो सकता है, उसकी मदर अभी भी जिंदा है, उसका एड्रेस भी उसे मिल चुका है। रात में ही अपनी मदर से मिलने के लिए निकलती है। ये मदर के घर तक पहुंचती है पर वहां कोई भी नहीं होता। ये रात भर वही रुकती है और सुबह पर उसे शिन वहां से बाहर आता हुआ दिखता है। ये शिन का पीछा करने लग जाते हैं। ये आगे चल कर शिन को स्पॉट नहीं कर पाते पर शिन आगे से आता है और इनकी गाड़ी का कांच अपने हेलमेट से तोड़ देता है। देउन उसे कह देती है कि उसे अपनी मदर के बारे में पता है। शिन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अब उसे पैसे नहीं मिल पाएंगे। देउन को अपनी मदर से मिलना है
वो हॉस्पिटल में जाती है पर उसकी मदर बेड पर होती है, उसे कुछ भी बात नहीं कर सकती। डेउन अब शिन से बात करती है, वो कहती है कि और एक चीज है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो फिर मर्डरर की रिकॉर्डिंग शिन को सुनाती है। शिन को मालूम नहीं होता कि फादर मर्डरर है, पर अब उसे फिर से खुशी होती है या वो फिर से उसे ब्लैकमेल कर पाएगा। रात भर शिन घर पर नहीं आई थी तो फादर बहुत ही वरीड हो चुके थे। शिन ने फादर को हॉस्पिटल में बुला लिया होता है। फादर शिन के पास आते हैं और कहते हैं कि चलो घर चलो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। फादर कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं कैसे तुम्हें ये सब बातें कह सकता था। रात में घर पर जब ये होते हैं तो फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता था। शिन फिर अपने फादर को अंदर बुलाती है, उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है, पूछती है कि मुझे अब सच सच बताओ कि तुम मर्डरर हो या नहीं हो। फादर कहते हैं कुछ भी मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, ये एक फेमस कोट है इसलिए मैं बोलता था। शिन इस पर बिलीव कर लेती है। शिन कहती है कि मैं सॉरी हूँ, मुझे पता था कि आप मर्डरर नहीं हो सकते। डेउन फिर न्यूज पर सुनती है कि जिस लड़के को मारा गया था उसके फादर डॉक्टर है। जिस हॉस्पिटल की रिसिप्ट डेउन को मिली थी उस रिसिप्ट पर भी इसी डॉक्टर का नाम था, तो इन डॉक्टर के पास वो मिलने के लिए आ जाती है। वो अपनी मदर के बारे में डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे मदर और फादर एक बेबी के लिए बहुत ही ट्राई कर रहे थे। डॉक्टर डेउन को देखकर अब खुश है। अब डॉक्टर की बेटी के इंसिडेंट के बारे में डेउन बात करने लग जाती है। डेउन पूछती है कि जो वॉइस था इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ सबूत है? किडनैपर ने रिटर्न नोट्स दिए थे, ये नोट्स डॉक्टर डेउन को दिखाता है। इस नोट्स पर एक एड्रेस है। डेउन को याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक एड्रेस लिखने के लिए बोला था, ये वही एड्रेस है। डेउन वहां से जल्दी से चली जाती है, इसे बहुत ही शॉकिंग लगता है। ये फिर घर पर आती है, जो एड्रेस जो हैंडराइटिंग उसके पास है वो अपने बचपन की हैंडराइटिंग से मैच करती है और ये पूरी तरीके से मैच कर रही है। अब अपने फादर को एक कन्फ्रंट करती है। उसके फादर इन सब को मना कर देते हैं, कहते हैं कि किसी की भी हैंडराइटिंग हो सकती है, डेउन को सिर्फ सच जानना है, और उसके फादर अभी भी मना ही कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दिखती है। डेउन ने अपने फ्रेंड को दो नामों का पता निकालने के लिए कहा था। जब बॉयफ्रेंड ने पता निकाला तो पुलिस स्टेशन में उनके सिस्टम में यह फ्लैग हो चुका था। पुलिस के बॉस को जब यह पता चला तब और भी इन्वेस्टिगेशन हुई। पुलिस को भी पता है कि फादर और डॉक्टर इन दोनों में कनेक्शन है, तो अब फादर एक प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं। पुलिस रात में घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। डेउन अपने फादर को कन्फ्रंट कर ही रही थी पर वो अब छुप जाती है। पुलिस का पीछा करते करते डॉक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं जिनका बेटा किडनैप हुआ था। ये सिर्फ डेउन के फादर की आवाज सुनना चाहते हैं। डेउन के फादर जब बोलने लग जाते हैं तब इस डॉक्टर को 100% कन्फर्म हो जाता है कि यही मर्डरर है। ये उस पर झपक पड़ते हैं और बहुत मारने लग जाते हैं। पुलिस फिर इन्हें रोकते हैं। मारते मारते फादर बेहोश हो चुके थे, इन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में फादर अनकॉन्शियस है और इन्हें फिर से कॉन्शियस में आने के लिए 2-3 दिन लग सकते हैं। डॉक्टर डिटेक्टिव से पूछते हैं कि क्या अब ये केस खत्म हो जाएगा। डिटेक्टिव कहते हैं कि कॉन्शियस में आने के बाद हम डेउन के फादर को वॉइस सैंपल निकालने के लिए बोलेंगे। अब 15 साल हो चुके हैं तो ये सैंपल मैच करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। डॉक्टर को बहुत ही बुरा लगता है। पुलिस अब डेउन के घर की सब छानबीन करने लग जाती है। डेउन के पास सबूत है उसकी हैंडराइटिंग, वो पुलिस से छुपा कर रखती है। पुलिस को घर में कुछ भी नहीं मिलता। डेउन जब अपने फ्रेंड से मिलती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अब मैं थोड़े दिनों के लिए तुमसे मिल नहीं सकती। वो अब डर रही है कि पुलिस उसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव डेउन से सब कुछ पूछताछ कर रहे हैं। डेउन को पता था कि उसके फादर मर्डरर है पर वो पुलिस से छुपा रहे थे। इस डिटेक्टिव को ये बात पता है। डेउन से सब कुछ सवाल पूछते हैं पर डेउन सब चीज को मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे फादर मर्डरर नहीं है। डिटेक्टिव उसे एक स्पॉट दिखाते हैं जहाँ पर छोटे बच्चे को मार दिया गया था। डेउन को बुरा लगता है पर अभी भी वो कुछ भी नहीं बोलती। जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि डेउन कुछ भी सच सच बोल नहीं रही तो डॉक्टर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। डेउन के पास जाकर वो कहते हैं कि अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तुम्हारी ही एज का होता। इसके बाद डेउन के फादर फिर से कॉन्शियस में आ जाते हैं। उनका वॉइस सैंपल लिया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर सब मीडिया वगैरह होती है। जल्दी से इस वॉइस को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जब इसे एनालाइज करते हैं ये आवाज 15 साल पहले की थी, इसी वजह से मैच नहीं हो पाती। अब डेउन के फादर को वो अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सब देखकर डॉक्टर को बहुत ही सदमा लगता है। यही पर वो बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। इसके बाद डेउन और उसके फादर गाड़ी में बैठकर घर आने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर डेउन ड्राइव कर रही होती है। आज की रात लास्ट रात है। इसके बाद इस केस की कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी।
क्योंकि ये केस आज रात के बाद एक्सपायर होने वाली है। देवन फिर अपने फादर को जिस स्पॉट पर छोटे बच्चे की लाश मिली थी वहां लेकर आती है। देवन कहती है कि मुझे पता है कि आप ही मर्डरर हो, क्योंकि मुझे साफ साफ याद है कि आपने मुझे वो एड्रेस लिखने के लिए बोला था। उस स्पॉट पर आकर वो कहती है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? देवन कहती है कि मैं आपको पुलिस में नहीं देने वाली, सिर्फ मुझे जानना है कि आपने सचमुच में किया है या नहीं। वो सिर्फ सच जानना चाहती है। देवन के फादर 12 बजने का वेट करते है, यानी ऑफिशियली ये केस अब एक्सपायर हो जाती है। इसके बाद ये हंसने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। यानी कि यही मर्डरर है पर केस एक्सपायर होने से पहले कोई भी एडमिट नहीं करना चाहते थे। फादर कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवन कहती है कि अगर सचमुच में तुम इंसान हो तो प्लीज माफी मांगो, भगवान से माफी मांगो। फादर कहते हैं मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। देवन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहती है हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अपने फादर का हाथ पकड़ती है, कहती है कि यहाँ से हम सुसाइड कर लेते हैं, हम अब जी नहीं सकते। फादर मानते नहीं, उसे गाड़ी में बिठाकर घर लेकर जाना चाहते हैं। ये सब जब चल रहा है तो इसी स्पॉट पे हमें दिखता है कि डॉक्टर इन दोनों पर नजर रख रहे हैं। डॉक्टर को अब अपने सन का बदला लेना है। जब फादर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो डॉक्टर जोर से आते हैं और अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा देते हैं। फादर और डॉक्टर ये दोनों ऊंचाई से गिर कर पानी में गिर जाते हैं। देवन भी इसमें जरा इंजोर हो जाती है। नेक्स्ट डे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है और फादर और डॉक्टर ये दोनों मर चुके हैं। पुलिस से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पुलिस कहते हैं अब ये केस खत्म हो चुकी है, इस पर कोई भी इंक्वायरी वो करने नहीं वाले। देवन हॉस्पिटल में है और वो शायद कभी भी चल नहीं पाएगी। पुलिस जब देवन को देखने के लिए आती है तो कहते हैं कि अब अपने फादर का प्रायश्चित ये पेटी करेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें शीन दिखता है, अपनी सिस्टर से वो बात कर रहा है। उसकी सिस्टर उसे सब कुछ सच्चाई बता देती है। शिन की मदर और फादर इन्हें कभी भी बच्चा नहीं हो रहा था। फादर बहुत ही डिस्टर्ब हो गए और एक दिन उन्होंने हॉस्पिटल से बच्चा चुरा लिया। यही बच्चा देयुन थी। मदर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसने फादर को समझाने की कोशिश की पर ये समझे नहीं। ये फादर के साथ रह नहीं सकती थी, इसी वजह से फादर को छोड़कर ये चली गई। देवन की एक्चुअल मदर का नाम इसे पता है, ये सब वो शिन को बता देती है। शिन भी देवन की एक्चुअल मदर को कॉल लगाता है और देवन कहा है ये बता देता है। इसके बाद देवन के हॉस्पिटल का नाम बदल जाता है, ये हमें दिखता है, यानी कि उसकी मदर ने उसे ढूंढ लिया है। फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि शिन को पता था कि देवन के फादर ने देवन को किडनैप किया था, पर देवन के मदर फादर कौन थे ये उसे मालूम नहीं था। अब मर्डरर यानी कि देवन के फादर को भी ब्लैकमेल करने लग गया। देवन के फादर ने किडनैपिंग से जो भी सब पैसे कमाए थे ये सब उन्होंने शिन को दे दिए। देवन के फादर फिर साइकोपैथ की तरह देवन से प्यार करने लग गए। अब इस मूवी में जब देवन को सब कुछ पता चला तो हमेशा से कन्फ्लिक्ट में थी, क्योंकि उसके फादर एक अलग ही कैरेक्टर थे, हमेशा से उसका केयर करते थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके फादर भी ये सब कर सकते हैं। जब उसे पता भी चल गया था तब भी अपने फादर को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। उसके मन में अभी भी उसे लग रहा था कि उसके फादर ये नहीं कर सकते। अपने फादर का जब उसे असली रूप पता चला तब उसे पता था कि वो जी नहीं पाएगी। उसका एक्सीडेंट हुआ और वो अनकॉन्शियस है, पर लास्ट में हमें दिखता है कि उसकी आंखें खुल जाती है। सब कुछ बुरा ही हुआ है पर जीने की थोड़ी सी उम्मीद उसे आ जाती है। यही आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।